गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सेकेंड ईयर में अपनी चल रही थी इनॉग्रेन केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट का पार्ट बी, केमिस्ट्री ऑफ 4D एंड 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स है वो उसमें प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। प्रॉपर्टीज में आज इनकी प्रॉपर्टी 3-4 बची हुई है वो कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें आज की रहेगी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कितने भी नंबर थी जो भी थी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल जिसे हम बोलेंगे आयनन विभव, ठीक है। इसमें लिखा जाएगा कि 4D और 5D श्रेणी के जो तत्व हैं, जब हम 3D से चलेंगे 4D की तरफ और 4D से चलेंगे 5D श्रेणी की तरफ, तो 3D से 4D की तरफ जाएंगे तो साइज इन मुख्य कोष बढ़ने के कारण साइज इंक्रीज होगी। साइज इंक्रीज होने से आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आयनन विभव जो होता है वो साइज के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 3D से 4D श्रेणी की तरफ चलते हैं तो मुख्य कोष बढ़ने से साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ने से वहां पे आयनन विभव का मान कम हो जाता है। लेकिन जब हम 4D से 5D श्रेणी की तरफ चलते हैं तो साइज क्या रहती है, सेम रहती है, आकार लगभग समान रहेगा। आकार समान रहेगा तो इनकी आयनन ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, ना बढ़ेगी ना कम होगी। इसमें लिखेंगे कि 3D श्रेणी से 4D श्रेणी की तरफ चलते हैं तब तो इसमें साइज बढ़ने से आयन ऊर्जा का मान कम होता है, लेकिन 4D और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान होने के कारण इनकी आयनन ऊर्जा का मान भी क्या रहता है, समान रहता है। ये लिखा जाएगा इसमें इनके आयनन विभव वाली प्रॉपर्टीज में। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी इनकी रिएक्टिविटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी रिएक्टिविटी यानी क्रियाशीलता, ठीक है। इसकी क्रियाशीलता के अंदर एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, वो देखिए रिएक्टिविटी में जो एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, उसमें क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उत्कृष्ट धातुएं किसे कहा जाता है, उत्कृष्ट धातुएं किसे कहा जाता है। जैसे उत्कृष्ट गैस होती है आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के 18वें वर्ग की गैसें हैं, उन्हें हम उत्कृष्ट गैसें बोलते हैं। उसी प्रकार से उत्कृष्ट धातुएं, उत्कृष्ट गैसों का मतलब है कि जो किसी अन्य के साथ में क्रिया नहीं करती हों वो उत्कृष्ट गैसें थी, तो धातुएं भी वही होंगी जो किसी अन्य के साथ क्रिया नहीं करती हों। तो इसमें आपके क्वेश्चन ये नहीं आएगा उत्कृष्ट धातुएं क्यों बोलते हैं इनको, क्वेश्चन ये आता है इसमें कि उत्कृष्ट धातुएं कौन कौन सी हैं। तो एग्जाम्पल रहेगा आपका प्लेटिनम और ओरम, और इसके साथ साथ में कई जगह लिखा जाता है सिल्वर, वैसे मुख्य रूप से ये दो ही हैं, इनको हम उत्कृष्ट धातुएं बोलते हैं। कारण रहेगा कि इन धातुओं के आयनन विभव का मान उच्च होने के कारण ये किसी अन्य तत्व के साथ में आसानी से क्रिया नहीं करती हैं, इस कारण से इन्हें उत्कृष्ट धातुएं कहा जाता है। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जांपल रहेंगे ये वाले। और रिएक्टिविटी में क्या लिखा जाएगा इनमें कि इनकी क्रियाशीलता किस कारण से होती, धातुओं की प्रवृत्ति रहेगी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, जितनी आसानी से ये इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं उतनी ही ज़्यादा क्या रहेगी इनकी क्रियाशीलता रहेगी। और आयनन विभव और क्रियाशीलता में रिलेशन होता है कि किसी धातु का आयनन विभव जितना ज़्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता उतनी ही कम होगी। और धातुओं की क्रियाशीलता 4D और 5D श्रेणी में जो उपस्थित हैं वो धातुएं ही हैं, और धातुओं की क्रियाशीलता है वो उनकी आयनन विभव या आयनन ऊर्जा से चेक की जाती है। और आयनन विभव और क्रियाशीलता में रिलेशन ये रहेगा, ऐ धातुओं की क्रियाशीलता नहीं देखेंगे यहाँ पे, केवल धातुओं की क्रियाशीलता इस फॉर्मूले से चेक करेंगे। जिस धातु का आयनन विभव ज़्यादा होगा उसकी क्रियाशीलता क्या रहेगी, कम रहेगी। तो यहाँ पे 4D और 5D श्रेणी में आपस में देखें किसकी क्रियाशीलता कम है किसकी ज़्यादा है, तब क्या लिखा जाएगा वहाँ पे कि जिस धातु का आयनन विभव ज़्यादा रहेगा उसकी क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी क्या रहेगी, कम रहेगी। ये लिखा जाएगा इसमें रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता में, क्वेश्चन वही आएगा प्लेटिनम वाला।
इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टी चलती प्रॉपर्टीज के अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी रिएक्टिविटी के बाद में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे हम चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो इसमें क्या लिखा जाएगा कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं या फिर इनके जो संकुल यौगिक होते हैं जिनमें संक्रमण धातुएं हैं वो आयनों के रूप में प्रेजेंट होती हैं, उनमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इन अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये धातुएं चुंबकीय गुण प्रदर्शित करती हैं। निकालेंगे हम इसको जो स्पिन ओनली फॉर्मूला है उसके द्वारा, हालांकि स्पिन ओनली फॉर्मूला के द्वारा ज्ञात की गई चुंबकीय आघूर्ण इनमें सही नहीं होते, क्योंकि इन कक्ष ये जो संक्रमण धातुएं 4d और 5d श्रेणी की, इनमें उपस्थित जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनके द्वारा उत्पन्न कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण है वो लिगेंडों के द्वारा उदासीन नहीं हो पाते हैं, इसलिए इनका कुल चुंबकीय आघूर्ण इनके कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण व चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के योग के बराबर होता है, ठीक है। यह आ गया कि संक्रमण धातुओं में और इनके जो आयंस बनते हैं, इनके जो संकुल हैं उनके अंदर इनमें उपस्थित अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की सहायता से ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं और इनका कुल चुंबकीय आघूर्ण इनमें इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के योग के बराबर होता है, ये लिखा जाएगा इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में। उसके बाद में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में ये भी लिख देंगे इसमें साथ जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो तो कैसे होते हैं, पैरा मैग्नेटिक, यानी कि पैरामैग्नेटिक यानी कि कैसे होंगे, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं और जिनके अंदर ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड यानी सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं वो डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं, ठीक है। ये सब लिखा जाएगा इनके चुंबकीय गुणों के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट रहेगा चुंबकीय गुणों के बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी इसकी कलर की। तो जैसे 3D श्रेणी के जो तत्व थे उनके अंदर कलर किस कारण से था, डी संक्रमण, दो कारण से कलर था, एक तो था डी ट्रांजिशन के कारण ये कलर शो करते हैं और सेकंड था कि इनके अंदर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है वो पाया जाता है। इन दोनों कारणों की वजह से 3D श्रेणी के जो धातुएं थे या उनके आयन थे या जो उनके संकुल यौगिक बने थे वो कलर शो कर रहे थे। तो 4D और 5D श्रेणी की धातुएं इनके आयन से इनके संकुल यौगिक है उनमें भी ये लिखा जाएगा कि ये कलर दो कारणों से शो करेंगे, डी संक्रमण और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, और ठीक है। और इसमें भी क्या आएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो उसको ऊर्जा देने पे ऊंच ऊर्जा स्तर पे जाएगा, वापस आते समय वो अवशोषित की गई ऊर्जा के पूरक रंग की विकिरणों का उत्सर्जन करेगा जिसके कारण से वो पूरक रंग काम में दिखाई देता है। ये जो इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और चुंबकीय गुण थे जो सेम 3D श्रेणी की धातुएं थी या फिर उनके जो संकुल यौगिक या आयंस थे सेम वैसे ही इसके रहेंगे। तो ये आएंगे इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और इसकी ये कलर वाली प्रॉपर्टीज। उसके बाद में आते हैं इसमें कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज, उत्प्रेरकीय गुण, ये वाला इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखे इसके कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज या उत्प्रेरकीय गुण। उत्प्रेरकीय गुण का मतलब क्या है कि ये धातुएं हैं ये कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की तरह कार्य करती हैं। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में ये 4D या 5D श्रेणी की धातुएं या फिर इन धातुओं से मिलके बने हुए जो यौगिक हैं वो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, इस कारण से लिखा जाता है कि इनमें कुछ उत्प्रेरक के गुण पाए जाते हैं। अब ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य क्यों करते हैं, तो इसके रूप में क्या लिखा जाएगा कि ये चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है इनमें और इनके पास में अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ साथ में इनमें रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं, इस कारण से ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। अब कौन सी रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में किसका यूज किया जाएगा, तीन चार रासायनिक अभिक्रिया वो देखें इसमें कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में किसका यूज किया जाता है।
एक आएगा इसमें पिलेडियम, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन देखो, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में आएगी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, यानी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में एक प्रकार से ये रिएक्शन क्या, रिडक्शन रिएक्शन है, अपचयन अभिक्रिया है। तो इसमें लिखेंगे ये एक प्रकार की रिडक्शन या अपचयन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में 40 श्रेणी की धातु प्लेडियम का यूज किया जाता है। जैसे ये अपना है फिनोल हो गया, ठीक है, इसका हम हाइड्रोजनीकरण करें तो हाइड्रोजनीकरण है वो किया जाएगा इसमें प्लेडियम उत्प्रेरक के रूप में, और ये 4D श्रेणी की धातु है तो इसका उपयोग कर लिया हमने इस रिएक्शन में। तब क्या कहेंगे, इसमें कैटालिटिक प्रॉपर्टीज या उत्प्रेरक के गुण पाए जाते हैं। अभी 6 के 6 हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर जुड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, इसका रिडक्शन होने के बाद में यहाँ पे OH, ये तीनों डबल बॉन्ड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तब ये जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा अपने को, उसको हम बोलेंगे साइक्लोहेक्जेनोल। तो फिनोल का हाइड्रोजनीकरण साइक्लोहेक्जेनोल में किया गया है, तो उत्प्रेरक के रूप में क्या लेंगे हम, वहां पे पैलेडियम का यूज किया जाता है। तो ये रहेगी फर्स्ट रिएक्शन जिसमें 4D श्रेणी की धातु है उसका यूज किया जा रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन देखें, इसमें नेक्स्ट रिएक्शन आ जाएगी कॉन्टेक्ट प्रोसेस। कॉन्टेक्ट प्रोसेस इसको बोलते हैं हम, संपर्क परक्रम, ठीक है। कॉन्टेक्ट प्रोसेस या जो संपर्क परक्रम होता है उसके अंदर देखें आप क्या लिखा जाएगा। कॉन्टेक्ट प्रोसेस, ये जो संपर्क परक्रम किसके लिए होता है, जो 3D श्रेणी वाली यूनिट करवाई थी उसमें भी आया था ये कॉन्टेक्ट प्रोसेस, इसी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में संपर्क प्रोसेस होता है। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको हम संपर्क परक्रम या कॉन्टेक्ट प्रोसेस बोलते हैं। इसके 2-3 स्टेप हैं, उसमें एक स्टेप कौन सा होता है कि SO2 से हमें क्या बनाना होता है, SO2 के रिएक्शन O2 से करवाएंगे तो यहाँ पे बनेगा SO3, ठीक है। जैसे ये 2SO2 लिख दिया तो 2SO3 बन जाएगा, ठीक है। तो SO2 सल्फर कॉन्टेक्ट प्रोसेस में एक स्टेप होता है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज करते हैं। तो ये जो रिएक्शन होती है इसमें कैटालिस्ट या उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का यूज किया जाता है जो कि 5D श्रेणी की एक धातु है। तो सेकेंड रिएक्शन है कि कॉन्टेक्ट प्रोसेस, और ये H2SO4 बनाने का एक प्रोसेस है। इसका एक स्टेप रहेगा जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज करेंगे। इस प्रोसेस में कैटालिस्ट या उत्प्रेरक के रूप में 5D श्रेणी की धातु प्लेटिनम का यूज किया जाता है। लेकिन ये सेकेंड रिएक्शन, ठीक है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस के बाद में थर्ड रिएक्शन देखें, वाकर प्रोसेस। थर्ड रिएक्शन रहेगी इसमें वाकर प्रोसेस। वाकर प्रोसेस में अगर क्या होता है, देखो वाकर प्रोसेस में एथिलीन, एथिलीन एल्किन है ये C2H4, इसका हमें क्या करवाना है, जल अपघटन करवाना है। जल अपघटन H2O से करवाएंगे। इस अभिक्रिया में कैटालिस्ट या उत्प्रेरक के रूप में पेलेडियम डाइक्लोराइड PdCl2 का यूज किया जाएगा, और इसमें प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त होता है अपने को, एल्डिहाइड प्राप्त होता है उसके साथ में 2HCl, और उसके साथ में क्या आ जाएगा इसमें प्लेडियम है वो बाहर निकल जाएगा। तो वाकर प्रोसेस के द्वारा एथिलीन से क्या बनाया गया है, एथीन बोल दें, एथीन से एसीटेल्डिहाइड बनाया गया है। इस रिएक्शन में कैटालिस्ट या उत्प्रेरक के रूप में पैलेडियम डाइक्लोराइड का उपयोग किया गया जिसके द्वारा एथीन है वो एसीटेल्डिहाइड के अंदर चेंज हो गया, और इसमें PD है वो वापिस क्या निकल गया, इसमें बाहर निकल गया। आगे समझ में, ये रहेगा वाकर प्रोसेस। वाकर प्रोसेस की हेल्प से ये सब संपन्न होता है। इसमें उत्प्रेरक रहेगा PDCl2, बनाए इसको।
इसके बाद मैंने नेक्स्ट देखे अपना ओस्टवाल्ड प्रोसेस में NH3 है अमोनिया, उसकी रिएक्शन O2 से करवाई जाएगी। इसमें उत्प्रेरक के रूप में किसका यूज किया जाएगा वो देखें, प्लेटिनम रोडियम मिश्र धातु का यूज है वो यहाँ पे किया जाता है। इस प्रोसेस में NH3 की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाएंगे। केटालिस्ट के रूप में प्लेटियम रोडियम इनका यूज यहाँ पे किया जाए, तो यहाँ पे जो बनेगा वो रहेगा आपका 4NO2 प्लस में H2, 6 क्या आ जाएगा इसके अंदर H2, 6H2O और 4NO2, 4NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस में 6H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ओस्टवाल्ड प्रोसेस के अंदर प्लेटिनम रोडियम मिश्र धातु का उपयोग है वो उत्प्रेरक या कैटालिस्ट के रूप में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें आप, एक उत्प्रेरक ही है, डायरेक्ट उत्प्रेरक रहेगा प्लेटिनम PTO, प्लेटिनम प्लेटिनम ऑक्साइड, PTO प्लेटिनम प्लेटिनम ऑक्साइड है। इस उत्प्रेरक को एडम कैटालिस्ट या एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है, और ये उत्प्रेरक रिडक्शन या अपचयन की अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। PTPTO प्लेटिनम प्लेटिनम ऑक्साइड है, ये एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है, और यह उत्प्रेरक अपचयन की अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ये थे इनकी कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज और वे सारी रिएक्शन जिनके अंदर 4D और 5D श्रेणी की धातुएं और उनके यौगिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिखो इसमें, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट लिखना है अपने को एविडेंस या प्राप्ति, यानी 4D और 5D श्रेणी की धातुएं हैं प्रकृति में कितनी मात्रा में पाई जा रही। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी अपनी लास्ट है इसकी एविडेंस, या फिर इसको हम बहुल्यता भी बोल सकते हैं और इसको हम प्राप्ति बोल सकते हैं। तो इसमें लिखा जाएगा कि डी ब्लॉक की 3D 4D और 5D श्रेणी की धातुएं में से 3D श्रेणी की धातुएं प्रकृति में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जबकि इसके कंपैरिजन में 4D और 5D श्रेणी की धातुएं बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो ये लाइन लिखी जाएगी कि 4D और 5D श्रेणी की धातुओं की तुलना में 3D श्रेणी की धातुएं प्रकृति में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, एक ये लिखा जाएगा सेकेंड की 3D 4D और 5D श्रेणी की धातुएं या डी ब्लॉक की तत्व प्रकृति में हरकिन नियम का पालन करते हैं, हरकिन नियम का पालन करते हैं, इसी के अनुसार ये प्रकृति में पाए जाते हैं। अब हरकिन का नियम क्या है पढ़ेंगे, हरकिन इसमें साइंटिस्ट का नाम है, इसने ये नियम दिया था, इसलिए इसी के नाम से इसको हरकिन नियम के नाम से जाना जाता है। नियम क्या रहेगा, तो हरकिन नियम के अनुसार वे सभी तत्व जो जिनका परमाणु क्रमांक इवन नंबर हो, इवन एटॉमिक नंबर वाले तत्व प्रकृति में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, मोल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि विषम परमाणु क्रमांक वाले पर जो तत्व होते हैं प्रकृति में कम मात्रा में पाए जाते हैं। और डी ब्लॉक की जो तीनों श्रेणियों के तत्व हैं वो हरकिन नियम का पालन करेंगे। इस नियम के अनुसार सम परमाणु क्रमांक वाले तत्व प्रकृति में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि विषम परमाणु क्रमांक वाले तत्व प्रकृति में कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इस नियम का एक एक्सेप्शन रहेगा, अपवाद रहेगा, वो रहेगा इसमें मैग्नीज। 3D श्रेणी का तत्व है मैग्नीज, जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, 25 है, वो ओड या विषम में आते हैं, तो इसकी प्राप्ति या प्रकृति में ये कम मात्रा में पाया जाना चाहिए, जबकि ये प्रकृति में अन्य तत्वों से अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए अपवाद रहेगा इस नियम का मैग्नीज। तो क्वेश्चन आएगी हरकिन नियम का अपवाद क्या है, तो इसमें लिखा जाएगा मैग्नीज जो कि 3D श्रेणी का तत्व है 25 नंबर पे आता है और ये विषम
सम परमाणु क्रमांक वाला होने के बाद भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसका अवेंस में एक क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन ये रहेगा कि 4D श्रेणी का वह कौन सा तत्व है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन क्या आएगा अगर इसमें से आता है एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में, तो वो यही आता है कि 4D श्रेणी का कौन सा तत्व प्रकृति में नहीं पाया जाता है, या फिर सीधे ये आ जाए कि डी ब्लॉक का कौन सा तत्व प्रकृति में नहीं पाया जाता। नहीं पाया जाता उसको कृत्रिम विधियों से बनाया जाएगा, तो प्राकृतिक रूप से कौन सा तत्व नहीं पाया जाएगा डी ब्लॉक का, तो वो रहेगा 4D श्रेणी का तत्व टेक्नीशियम, जो कि प्रकृति में नहीं पाया जाता है। टेक्नीशियम प्रकृति में, टेक्नीशियम है वो प्रकृति में नहीं पाया जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार ये पूछा जाएगा इसमें, तो ये रहेगा डी ब्लॉक की 4D श्रेणी का तत्व टेक्नीशियम प्रकृति में नहीं पाया जाता है। ये रही सारे इसकी प्रॉपर्टीज 4D और 5D श्रेणी के तत्वों की। उसके बाद देखें इसके अंदर, अब हमें पढ़ने हैं कि जो प्रॉपर्टीज थी ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, आयनिक रेडियस थी या फिर सिंपल रेडियस थी, आयनन ऊर्जा थी, इन सभी प्रॉपर्टीज को 4D और 5D श्रेणी की, इन सभी प्रॉपर्टी को 3D श्रेणी से कंपैरिजन करते हुए पढ़ना है। यहाँ पे अपनी हेडिंग रहेगी कि 3D श्रेणी से कंपैरिजन में, या 3D श्रेणी की तुलना में 4D और 5D श्रेणी तत्वों के कुछ गुण हैं वो हमें पढ़ने हैं, सारे कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे। ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।